पार्टी में गुंडों को तरजीह मिलने का आरोप लगाने वाली प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। जी आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। शुक्रवार सुबह ही उन्होंने अपनी ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस प्रवक्ता हटा दिया था और इससे पहले उन्होंने अपनी प्रोफाइल में राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से जोड़ा हुआ था, जो कि शुक्रवार को नहीं है। प्रियंका ने 17 अप्रैल को ट्वीट करते हुए अपनी पार्टी कांग्रेस के प्रति नाराजगी व्यक्त की थी और तभी से ही उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया है और ना ही वे किसी भी टीवी डिबेट में पार्टी का पक्ष रखती हुई नजर आ रही थी। और प्रियंका चतुर्वेदी ने अब अपनी ट्विटर प्रोफाइल में खुद को कॉलमिस्ट, ब्लॉगर, मदर बताया है और साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट्स को पर्सनल बताया हुआ है और साथ ही रीट्वीट के बारे में भी लिखा है। प्रियंका के खुलासे वाले ट्वीट के बाद से भी उनके हक में कोई भी आवाजें खड़ी हुई थी। आपको बता दें कि ट्विटर पर ही कई बड़ी हस्तियों ने कांग्रेस नेतृत्व से उनके दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।